हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे, हम नोज़ को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई सी भी सिंपल आउटलाइन बना लेनी है, चाहे जैसी भी हो, थोड़ा सा ठीक से बनाना कि वो नाक जैसी शेप आए जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये आपको मैकेनिकल पेंसिल से डार्क एरिया को हल्की तरह से सेट करने देना पिक्चर के हिसाब से। क्या कहते हैं, नीचे की तरफ से थोड़ा सा डार्क एरियाज कर देना और एक साइड पे भी, कि हमें पता चले कि लाइट ऑफ डायरेक्शन कहाँ से है। जो एरिया मैंने थोड़ा सा डार्क किया है वहाँ पे लाइट ऑफ एरिया नहीं है, उसके अपोजिट साइड पे लाइट ऑफ एरिया जहाँ पे मैंने हल्का सा किया। और बीच में थोड़ा सा वो जगह छोड़ देना, मतलब कि वहाँ पर शेडिंग करना, क्योंकि वो हॉटस्पॉट होते हैं, मतलब कि वहाँ पर डायरेक्ट सीधा लाइट पड़ती है तो वो थोड़े से हिस्से चमकते हैं। जैसे मैंने आप वीडियो में देख सकते हो, बीच का हिस्सा मैंने थोड़ा सा खाली छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पर ऐसे लाइट चमक रही है। और जो मुझे लगने चाहिए कि हाँ, यहाँ पर भी हॉटस्पॉट हो सकते हैं, उन एज को मैंने मोनो एज से एज कर दिया है और थोड़ा सा वो दिखाया है। और नाक के अंदर के जो वो जो है नोस्टिल, मैंने उनमें एकदम डार्क कर दिया है 2B की पेंसिल से। और थोड़ा सा जो डार्क है उनको भी थोड़ा सा अच्छी तरह से डार्क कर दिया है ताकि वो थोड़ा सा नोज जैसी फीलिंग आए। अब हमारी लिटरली कंप्लीट हो चुकी है, अब बस ब्लेंडिंग करनी है।